हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में सर्दी जाने वाली है अब, और जितना इंतजाम हम करते हैं सर्दी के आने की, उतना ही हमें करना पड़ता है सर्दी को विदा करने की भी। तो ये देखिए, ये मैं अपने कंबल को कर रही हूँ, थोड़ा ड्राई क्लीन टाइप में ही मैं करूँगी इसे। तो मैं इस तरीके से इसे हर 15 डेज में कर देती हूँ कंबल को, ताकि उसमें एक कंडीशनिंग बनी रहे और उसमें कोई भी जम्स ना पनपे। तो देखिए, ये मैंने आधा बाल्टी पानी लिया है, उसमें मैंने 2 ढक्कन डेटॉल का डाला है, डेटॉल लिक्विड या सेवलॉन हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। और उसमें मैंने डाल दिया है 2 पाउच कंफर्ट का, और ये रहा मेरा डबल बेड का कंबल। इसे मैं वॉशिंग मशीन में ही धोऊंगी, ये एक तरह से ड्राई क्लीन ही कहेंगे, बट मैं थोड़ा सा इसमें पानी का यूज़ कर रही हूँ, ड्राई क्लीन में पानी यूज़ नहीं होता है। तो ये देखिए, ये मैं एक तरह से इसको डीप कंडीशनिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने पानी तैयार किया है ना, उसे मुझे पूरे कंबल पे स्प्रेड करना है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमा के कंबल को। तो ये देखिए, ये मैंने हर तरफ इसे पानी को डाल दिया। इस तरीके से कंडीशनिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी लेंगे तो कंबल हमारा मशीन में नहीं चलेगा और मशीन ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि कंबल पानी बहुत ज़्यादा सोखता है और उससे मशीन चलने में दिक्कत आती है। पूरे कंबल में ये लिक्विड स्प्रेड करने के बाद हमें इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक इसके सारे पानी सोख ले, क्योंकि हमें इसे कंडीशनिंग करना है। तो जब भी हम कपड़े में भी कंफर्ट डालते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसे स्पिन करते हैं। तो सेम प्रोसेस में हम कंबल को भी करेंगे, थोड़ी देर इसमें छोड़ देंगे, उसके बाद हम स्पिन करेंगे। थोड़ी देर मीन्स मैंने 1 घंटे छोड़ा था, ताकि अच्छे से अंदर तक इसमें कंफर्ट और डेटॉल का सॉल्यूशन चला जाए और जितने भी जम्स वगैरह हैं वो किल हो जाए। तो ये देखिए, ये मैंने अब इसे बंद कर दिया है, स्पिन हो चुका है। और इस तरीके से वॉश करने के लिए हमें टोटल टाइम बस 1 आवर एंड 15 मिनट्स, 1 आवर हमने सोक करने के लिए डाला और 15 मिनट स्पिन करने में, और ये 2 से 3 घंटे में ये बिल्कुल सूख भी जाता है आराम से। अब शाम हो गई है और ये कंबल हमारा बिल्कुल रेडी है ओढ़ने के लिए। इस तरीके से कंडीशनिंग करने से हमारे कंबल का लाइफ भी बढ़ जाता है और हमें एक फ्रेशनेस का भी एहसास होता है। कम पैसे, कम बजट में और कम समय में और कम मेहनत में हमारा कंबल बिल्कुल जम्स फ्री हो जाता है। क्रिसमस मंथ अब खत्म हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने क्रिसमस ट्री को भी समेट कर रख लिया जाए, क्योंकि क्रिसमस ट्री वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, एक बार ले लीजिए, कई सालों तक ये चलता है। क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए मैंने जितने भी एक्सेसरीज लिए थे उसे मैं निकाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे लपेट कर रख दूंगी। क्रिसमस ट्री तो सेम रहता है, बट मैं हर साल इसका डेकोरेशन अलग अलग कर देती हूँ। तो इस साल मैंने इस तरीके से इसका डेकोर किया था। ये क्रिसमस ट्री अनाया के प्रोजेक्ट के लिए आया था, बट मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे हमेशा इसी तरीके से समेट के रख देती हूँ, और जब जब क्रिसमस आता है मैं इसे निकाल कर डेकोर कर लेती हूँ, अपने घर को क्रिसमस फील करवा देती हूँ। और हम इंडियंस के लिए बड़ी ही प्राउड की बात है कि हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल को एक साथ एंजॉय करते हैं, हमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम ये फेस्टिवल मनाएं, ये फेस्टिवल ना मनाएं। और ये मुझे बहुत ही प्राउड फील कराता है कि हम एक देश में रहकर कई तरीके के ट्रेडिशन को, कल्चर को एक साथ देखते हैं, देखने का मौका मिलता है, सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। बस इस तरीके से मैं सारे चीज़ों को एक साथ एक जगह पर कर देती हूँ। इसे देखिए, बुके के फॉर्म में मैंने कर दिया है, अब ये हमारे नेक्स्ट ईयर काम आएगा। और इस तरीके से रखने से मुझे नेक्स्ट ईयर भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।